हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिल में ना एक अजीब सी खामोशी होती है जब हम किसी को बोल नहीं पाते। अगर मैं सामने वाले इंसान को थप्पड़ मारूंगी ना तो मुझे पता है गलत है, अनैतिक है, लेकिन फिर भी मैं मारूंगी क्योंकि मेरी किलस है, ठीक है। अब हम जब लिखते हैं, हर इंसान के अंदर खामोशी होती है। शिव जी को तो सब जानते होंगे, जब पार्वती जी सती हुई थी, ठीक है, तो शिव जी जब उन्हें बचाने गए थे तो शिव जी ने रुदन किया था उनके लिए, और जो रुदन किया था तो रुद्राक्ष निकले थे। वैसे हमारी खामोशी होती है, जब वो रुदन करती है, रोती है, तो हम अपने जज्बात लिखते हैं, और उन जज्बात को जब हम दूसरों को सुनाते हैं तो उन जज्बातों से अटैच होके हम अपने प्यार को, अपनी कोई हुई चीज़ों को याद करते हैं, जैसे हम रुद्राक्ष से माला जपके भगवान को याद करते हैं, तो उसी तरह हमारी पोएट्री होती है। पहले मैं अपनी एक पोयम सुनाऊंगी और उसके बाद लास्ट में एक शेर, जैसे सभी करते हैं। हम लोग लिखते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी लिखने की महफिल होती है, भाई आजकल के लोगों के लिए होती है कि एक जाम हो जाए और लिख लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं होता। हमारे लिए एक खालीपन, एक खाली कमरा और कुछ पन्ने और एक पेन जो हम लिखते हैं। एक खाली कमरा और कुछ पन्ने, मेरे दिल से मेरे दिल का हाल पूछते कि बता दूं उन्हें भी कुछ खालीपन के एहसास पूछते। ये रोने नहीं देते मुझे, जो पाना चाहती हूँ उसकी आस पूछते हैं, और जो खो चुका है उसे बुलाने की राह ढूंढते हैं। एक खाली कमरा और कुछ पन्ने, मेरे दिल से मेरे दिल का हाल पूछते हैं। अब भाई कमल तो कलम तो साथ देती है उनका, कलम भी कमाल करती है, जो जुबान ना बता पाए उन्हें चंद लम्हों में बयान करती है। पन्नों की जमी पे जिंदगी का बखान करती है, तन्हाई से रूबरू हो जाऊं मैं, बस यही गुफ्तगू मेरे साथ करती। साहब कलम है पन्नों के साथ मिलके मेरे दिल से मेरे दिल का हाल पूछती। लोगों से अब दूर रहती हूँ, लोगों से अब दूर रहती हूँ, कि सब कहते हैं कि आजकल मैं अपने में मशरूफ रहती हूँ। सब भी कह देते हैं, एक रिप्लाई ना करो, बहुत बिजी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों से अब दूर रहती हूँ, सब कहते हैं कि आजकल मैं अपने में मशरूफ रहती हूँ। जो भीड़ में खो गया था और औरों को मनाने में रो गया था, हाँ उस दिल के करीब रहती हूँ, वो जो कहता है बहुत करीब से सहती हूँ। साहब हाँ मैं एक खाली कमरा और कुछ पन्नों से घिरी रहती हूँ, क्योंकि वही है जो मेरे दिल से मेरे दिल का हाल पूछते। अब प्यार की बात चल रही है, तो प्यार का देखो ऐसा होता है, किसी भी चीज़ की अति करते हो ना, वो हर चीज़ में बुरी होती है। अब हम तो फिर भी इंसान है, ज़मीन को ही देख लो, नदियों तक पानी आता है, टैब में पानी आ रहा है, हम बहुत खुश हैं, चलो नल में पानी आ गया, ग्लास में मिल गया, हम खुश हैं। नदियों में भी मीठा पानी होता है, जैसे ही वो समुंदर में कन्वर्ट होता है वो खारा हो जाता है, क्वांटिटी हो जाती है लेकिन क्वालिटी चली जाती है, तो वैसे ही होता है। तो मैंने उस पे प्यार पे दो तीन लाइनें लिखी हैं। इश्क वो नदी है जो शुरू तो कहीं से भी हो जाती है। अब मैं महफिल में आई, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा आते ही, कि हाँ ओ अच्छा बड़ी अच्छी दिख रही है, अच्छा बड़ा अच्छा दिख रहा है, सभी करते हैं, झूठ नहीं है, ठीक है। तो उसी पे हैं, इश्क वो नदी है जो शुरू तो कहीं से भी हो जाती है, इश्क वो नदी है जो शुरू तो कहीं से भी हो जाती है, और अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो समुंदर सा खारा वो पाती है। समुंदर की लहरें पाँव की ज़मीन तक खींच ले जाती हैं, समुंदर की लहरें पाँव की ज़मीन तक खींच ले जाती हैं, मगर खुद को खुद संभालने की सीख दे जाती है। और जो मैंने अभी एक लाइन बोली कि हम सब ऑब्जर्व करते हैं एक दूसरे को, तो उस पे मेरा एक शेर है, मुझे नहीं पता आजकल की मोहब्बत क्या है, मुझे नहीं पता आजकल की मोहब्बत क्या है, भरी महफिल में जिस पे नजरें रुके यारो नजरें करार वहाँ है।